पहरेदार भारत न्यूज की खास पेशकश में आज मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल में 9.5 रुपए और डीजल में 7 रुपए होगा सस्ता, LPG पर 200 रुपए की मिली राहत। कुछ लोगों के लिए ये राहत की बात हो सकती है, लेकिन अब भी कुछ लोगों के लिए महंगाई एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। सरकार आए दिन पेट्रोल, डीजल और LPG में मनमाने दामों की बढ़ोतरी करती रहती है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ रुपए की कमी ला देती है। क्या सरकार के ये फैसले लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं? अब रात तो क्या होएगा, आप खुद समझदार हो। अब इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, हम 20-20 रुपए का गुजारे के लिए 20-20 का भी पेट्रोल, अब पेट्रोल पंप पे 20 रुपए का भी पेट्रोल नहीं डालते है, तो हम क्या करें? तो अभी तो कुछ कम कर दिया है, 104 के राउंड था और अभी 98 हो चुका है। तो कितना होगा? 6 रुपए लगभग, कई 9 रुपए कम हुए हैं। 9 रुपए कम, फिर भी हम 20-20 रुपए का भी पुआते नहीं डालते नहीं है। सिलेंडर भी उनके भी दाम कम हुए हैं LPG के, वो तो देखो फिर, वो तो उनका ही काम है सिलेंडर का। आपको क्या लगता है कि सरकार को और कमी जो मतलब कमी करनी चाहिए, या तो फिर पता क्या आ जा, या तो ये करना चाहिए, कोई भी जॉब कर रहा है ना, जॉब कर रहा है, उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। कोई भी जॉब, यानी कि जॉब कोई हॉस्पिटल में कर रहा है, पेट्रोल पंप पे कर रहा है, ये कर्मचारी कर रहे हैं, देखो दिखाओ उनको दिखाओ, ये कर्मचारी कर रहा है, इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो बदाम ये दाम बताओ, इनकम नहीं बढ़ी है, कमाई नहीं बढ़ी है, हाँ, लेकिन महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ाई है, इनकम बढ़ाओ। जैसे तुम महंगाई बढ़ा रहे हो ना, तो इनकम भी बढ़ाओ। सरकार तो भर्तियां भी नहीं कर रही है, तो कैसे बढ़ेगी इनकम? वो नहीं, फिर वो आप देखो ना, फिर आप पूरे सरकार को दिखाओ, इसको आप पूरी सरकार को दिखाओ, इनको भी दिखाओ, सारों को दिखाओ। अब ये लड़के लगे हुए सारे कुछ, इतनी बढ़ाई सारे कामों में, दाम में, आटे में, रोटी में, सारा कुछ, अनाज में, कुछ भी, चावल में, कुछ भी, सारा बढ़ा रहे हो तुम, तो जो से वर्कर जो से काम कर रहे हैं, तो उनकी भी कमाई बढ़ाओ। कोई भी काम धंधा कर रहा है उनको बढ़ाओ, है महंगाई तो कर दी, तो फिर उनका तो नतीजा करो, आप कुछ करो, सरकार करेगा, वो आपके हाथ में है। राहत सर इसमें कुछ नहीं कह सकते, अभी यही है, अभी इन्होंने 9 रुपए 8-9 रुपए कम किया है, जैसे यही 2-3 महीने में एक एक करके इसी को 12 पे ले जाएंगे, फिर 9 कम किया है तो 12 पे महंगाई चली जाएगी, तो फिर क्या करेंगे 3 महीने बाद में, फिर ये 7-8 कम कर देते हैं और 10-12 बढ़ा देते हैं, ये बढ़ तो रहा है, ये कम नहीं हो रहा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है कोई भी। लोगों का कहना है कि इनकम नहीं बढ़ रही है और सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, किसी भी तरह में एक आम जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें, महंगाई की तरह पेट्रोल की चैस लगा लो, कोई और भी चीज लगा लो, सब में महंगाई तो बढ़ी रही है, कोई महंगाई में 1% भी कमी नहीं आ रही है किसी तरह से भी। जैसे आप काम करते होगे तो पे स्केल में कोई इजाफा हुआ? पे स्केल में जितना इजाफा नहीं हुआ, जितना की महंगाई में हुआ है, तो जो जरूरी वस्तुएं हैं खाने पीने की सब, वो उनमें डबल हो गया। जैसे कोविड के कारण लोगों के व्यापार में बहुत ज्यादा कमी आई तो जी जी, इसमें आपके ऊपर भी क्या असर आएगा? कोविड के बाद में काफी, मतलब के मैं नर्सिंग लाइन से हूँ मैं, और लोगों का इतना नुकसान हुआ है, उसके बाद लोग अभी तक वापस उठ नहीं पाए हैं, और कोविड के बाद में आने वाले पिछले 5-6 साल में जो भरपाई नहीं हो पाएगी जो आने वाले टाइम में। रात है, पूरी रात है, जो एक्साइज ड्यूटी थी उन्होंने खत्म कर ली अपनी। पहले कहते हैं, लोग कहते हैं कि सरकार एकदम से बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा देती है, फिर थोड़े से कम कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो प्राइम मिनिस्टर जो हमें मोदी मिला है ना, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हम तो ये सोच रहे हैं अभी तक मिला नहीं, और आगे भविष्य में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो मोदी जी है वो मोदी जी है, जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और आगे भविष्य में देखो क्या होगा। हमारे लिए तो ये कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये दाम फिर से नहीं बढ़ेंगे? देखो ये तो किसी एक के हाथ में नहीं होता, ये खाली ये कहते हैं मोदी का आदमी क्या, जो पीछे से जो आएगा रेट वो ही देंगे मोदी जी। तो मालूम है जो इंटरनेशनल लेवल पे बैरल का रेट था पिछले के मुकाबले कम हुआ था कोविड के अंदर भी, लेकिन तब भी दाम बढ़े थे। पर आप ये भी देखो ना, कोविड के अंदर मोदी ने कुछ ऐसा, प्राइम मिनिस्टर को हर कंट्री के अंदर होना चाहिए, जो आज विदेशों के अंदर भी मोदी का नाम अच्छा चल रहा है, पहले कोई इंडिया को
था, प्राइम मिनिस्टर कोई नाम ही नहीं जानता था, इंटरनेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़े, लड़ना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ इनको तो पूरे वर्ल्ड का वो प्रधान बना देना चाहिए, प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। रात रही कम हो गई तो बढ़िया ही है। लोगों का कुछ लोगों का कहना है कि सरकार बहुत ज्यादा रेट बढ़ा देती है और फिर थोड़े से कम कर लेती है। सरकार को ये अपनी तरफ से थोड़ी करती है, पेट्रोल के तो इंटरनेशनल प्रभाव है उसका, तो कोई लगे नहीं है सरकार के। सरकार के दामों में जो उछाल और गिरावट है आप उससे संतुष्ट है? बढ़िया है, एकदम सही कर रहे हैं। लोग इनकम टैक्स भरते नहीं, पेट्रोल का टैक्स भरना ही पड़ता है, ये इसी का जरिया है। जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, हाँ उसी का है, ये सारा उसी का सिस्टम बना हुआ है। भगवान सरकार ने यही सिस्टम बनाया, बढ़िया करा है। सरकार को उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए है जी, सरकार को उनके ऊपर। वो भी कर रही है सरकार, तो बढ़िया ही कर रही है सरकार, बढ़िया कर रही है, वो भी कर रहे हैं मोदी जी, बढ़िया कर रहे हैं। क्या लगता है अब दामों में आगे कोई मतलब बढ़ने के आसार नहीं होंगे? मैं तो क्या बता सकता हूँ, क्या लगता है आम जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ का? बार बार दाम अगर बढ़ते रहेंगे तो जिंदगी में तो असर पड़ता ही है, सारी चीज़ का ही असर पड़ता है। सब्जियाँ सब मटीरियल सारा महंगा हो जाता है, तो सारा महंगाई तो बढ़ती है। और इनकम के बारे में कमाई क्या वो भी बढ़ी? हाँ इनकम तो खूब बढ़ी है, बड़ी क्यों नहीं है, खूब बड़ी है। कोविड के दौरान भी, उसके बाद हाँ कोविड के दौरान भी बढ़ी है, लोग ऐसे ही कहते हैं बड़ी नहीं है, कोविड के दौरान भी बढ़ी है। हाँ कोई बेचारे जो डेली रूटीन का खाना पकाने वाला है उसके लिए दिक्कत हुई है, वरना ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो कोविड के दौरान तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। समझ की बात है, समय के अनुसार जो अपने आप को बदल के चलता है उसका, जैसे अब ऑनलाइन का कोई काम करता है उसमें कर लेता है, समय के अनुसार अपने आप बदलता है तो काम होता ही है। रोज की डेली कमा के खाने वाले क्या है उसके लिए दिक्कत होती है, उसकी थोड़ी समस्या हो जाती है, उसको थोड़ा सा विचार की बात है। बाकी तो सब बढ़िया है, बहुत बड़ा है काम, बहुत बड़ा है, मतलब जिसका मतलब 100-200 गुना कहते हैं ना, ऐसे बड़ा है। नहीं ये रात वाली तो बात ये है ना, इसमें भाई बधाई 7 रुपये कम कर दिए, पहले पेट्रोल था कम से कम भी 70 करीब, कम से कम 20-30 रुपये कट होने चाहिए तब रात मिलेगी, ऐसे तो 10 वो अब दोबारा बढ़ा देंगे 2 दिनों बाद। मतलब आपका कहना है सरकार बहुत ज़्यादा दाम बढ़ाती है और बहुत थोड़ा दाम कम कर लेती है ये दिखाने के लिए कि हमने दाम कम किए हैं? नहीं वो तो वो भी असर एक और इस चीज़ का इफेक्ट है, मान लो अब 200 रुपये घटा दिए उसमें सिलेंडर में, पहले सिलेंडर कितने का था, पहले सिलेंडर भी तो बहुत ज़्यादा था, तो इस चीज़ का है इसको कम से कम भी सिलेंडर होना चाहिए 700 रुपये का, 600-700 का हो तो गरीब आदमी को लाभ मिलेगा, ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं है। सिलेंडर के दाम 600 के अराउंड ही थे, उसके बाद एकदम से उछाल आया 900 के राउंड लेके, अब उन्होंने 200 रुपये कम कर दिए। हाँ तो 200 रुपये फिर वही बात है ना, दो तीन दिन में बढ़ा देंगे, वो आप कहने चाहते कि कुछ समय की राहत है, हाँ। फिर से बढ़ाए जाएंगे, फिर थोड़े से घटाए जाएंगे बस, हाँ यही समस्या है। और क्या तो इनकम को लेकर क्या मानते हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है ये कोविड के बाद भी? नहीं कोई इनकम में बढ़ोतरी नहीं जी, खर्चे ज़्यादा हुए पड़े हैं और आमदनी कम है। कहते कि एजुकेशन सेक्टर का भी खर्चा बहुत बढ़ता जा रहा है। हाँ एजुकेशन का भी है, पेट्रोल की कीमतें भी है, सब सारा कुछ है ही देखना। देखिए वैसे तो आजकल क्या मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोगों का मतलब गुजारा करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। गरीब इंसान जो है मतलब इतना महंगा सिलेंडर नहीं ले पाता है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो अब सिलेंडर में अभी कमी आई है 200 रुपये की, तो उससे कुछ राहत मिली है कि हम सिलेंडर जो है थोड़ा सस्ता हो गया, तो आराम से लोग सिलेंडर ले पा रहे हैं। अब पहले महंगाई की वजह से लोग सिलेंडर नहीं ले पाते थे, मतलब गरीब इंसान को बहुत दिक्कत आती थी, पर अब जो दिक्कत परेशानी है वो थोड़ी सी बहुत अच्छी बात हुई है, अभी सिलेंडर थोड़ा सस्ता हो गया, तो भी और भी राशन पानी कोई सस्ता हुए तो मेरी माना ज़्यादा खुशी है, बस इतने बोलना बोल जा। हाँ जी बिल्कुल, राहत मिलेगी आम जनता में, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो 200 रुपये की करके हमें राहत मिली है तो अच्छी बात है। 1000-1000 रुपये के सिलेंडर बराबर आके हम तंग आ चुके थे, चलो 200 रुपये ही सही, सरकार ने कुछ तो गरीबों की सुनवाई करी, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आगे भी कुछ करे हमारे लिए तो अच्छी बात। सरकार ने सब चीज़ें महंगी कर रखी हैं, किस तरह एक सिलेंडर दे इस बार सस्ता होया है।